नमस्कार दोस्तों, स्टडीपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा जीके के 50 प्लस क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हरियाणा एसएससी का पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकेडमी का गठन कब हुआ था? हरियाणा साहित्य अकेडमी का गठन दोस्तों 9 जुलाई 1970 को हुआ था। 9 जुलाई 1970 को जो है हरियाणा साहित्य अकेडमी का गठन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला दोस्तों हमारा सूरजकुंड फरीदाबाद में है, जो सूरजकुंड है फरीदाबाद में है, यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला दोस्तों 1 फरवरी के बीच में लगता है। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? हरियाणा का चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो हरियाणा का चर्चित लोक कवि दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद, जो एक रागनी गायक थे पंडित लक्ष्मीचंद, आप इसको जानते भी होंगे, इसे लोकप्रिय कवि माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? हरियाणा में नेशनल सुल्तानपुर पार्क जो दोस्तों ये गुड़गांव में स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यमुनानगर। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र दोस्तों ये भोरसिंदा कुरुक्षेत्र में स्थित है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोरसिंदा कुरुक्षेत्र में है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों हमारा पिंजौर में स्थित है, पिंजौर पंचकुला में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये झाबुआ रेवाड़ी में स्थित है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, आपको याद रखना है ये झाबुआ रेवाड़ी में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? हरियाणा में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? ये बिनोला गुड़गांव में, जो बिनोला है ये गुड़गांव में, ये यहाँ पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी है। तो इसको आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों जाटपाली जो महेंद्रगढ़ में है, यहाँ पे ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है, जिसे KVS भी बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा किस अक्षांशों के बीच में स्थित है? हरियाणा किस अक्षांशों के बीच में स्थित है? हरियाणा 27.39 से 30.55 उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा किस देशांतरों के बीच स्थित है? हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो ये दोस्तों 77.28 से 77.36 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, 77.28 से 77.36 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो नदी पूछा गया है, कौन सी नदी है जो सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो ये यमुना नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? जो पर्यटन स्थलों के नाम जो पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं वो हरियाणा प्रदेश है, वो हमारा हरियाणा प्रदेश है।
ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पूछी गई है, तो ये 253.53 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है। हरियाणा का लिंग अनुपात पूछा गया दोस्तों, इसमें हरियाणा का लिंग अनुपात 877 है, 877 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या गंतव्य कितना है। तो इसमें जनसंख्या गंतव्य पूछा गया है, जनसंख्या गंतव्य, तो ये 573 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 573 जो हमारा हरियाणा का जनसंख्या गंतव्य है 573। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा को पंजाब में मिलाया था 1858 में। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया। पंजाब हरियाणा का सीमांकन पूछा गया दोस्तों, ये जेसी शाह आयोग के द्वारा हरियाणा और पंजाब का सीमांकन किया गया था, जेसी शाह आयोग द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति हजार पुरुष पर अनुपात सबसे कम है। तो हजार पुरुष पर अनुपात पूछा गया महिलाओं का, तो किस राज्य का है, ये हरियाणा का है दोस्तों, हरियाणा का हजार पुरुष पर अनुपात सबसे कम हरियाणा का है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था। रजिया बेगम का कत्ल दोस्तों कैथल में हुआ था, जो हरियाणा का जिला है कैथल, ये कैथल जिला है, तो यहाँ रजिया बेगम का कत्ल हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था। तो ये सन पूछा गया है, रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था, ये 1240 ईस्वी में रजिया बेगम का कत्ल हुआ था, 1240 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध पूछा गया है, तो ये 1526 में हुआ था, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये अब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, बाबर और अब्राहिम लोदी के बीच ये पहला युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई। तो क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, ये बाबर की हुई थी, बाबर की, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शेरशाह का बचपन हरियाणा में किस जिले में बीता। शेरशाह का बचपन हरियाणा में किस जिले में बीता, तो ये महेंद्रगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। तो बचपन जो शेरशाह का बचपन महेंद्रगढ़ में बीता था। तो अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के दादा का अब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है। इसका मकबरा पूछा गया दोस्तों, ये नारनौल में है, जो महेंद्रगढ़ में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो शेरशाह सूरी के दादा का अब्राहिम सूर का मकबरा नारनौल में है। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ, 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था, हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, जो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, इसमें अकबर की विजय, जो अकबर जीता था, अकबर की विजय हुई थी, तो पानीपत के दूसरे युद्ध में, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। तो अगला क्वेश्चन है, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है। भाखड़ा डैम का जन्मदाता पूछा गया दोस्तों, ये छोटू राम को कहा जाता है, छोटू राम, इसका आंसर हो जाएगा छोटू राम। भाखड़ा डैम का जन्मदाता छोटू राम को कहा जाता है। हरियाणा में कितने मंडल हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने मंडल हैं। हरियाणा में मंडल पूछा गया, हरियाणा में 6 मंडल हैं, जो प्रेजेंट टाइम है हरियाणा में 6 मंडल हैं। पहले कितने मंडल थे, पहले 4 मंडल थे, अब 2 नए मंडल आ गए हैं, जो करनाल और फरीदाबाद, करनाल और फरीदाबाद नए मंडल हैं। पहले अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार और गुड़गांव,
जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, ये पहले चार थे, अब दो नए आ गए हैं जो करनाल और फरीदाबाद हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल है। तो हमारा क्वेश्चन है गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल है, तो इसमें गुरुग्राम खुद और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इसमें तीन जिले शामिल है, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, तो ये तीन जिले इसमें शामिल है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंबाला मंडल में कौन से जिले शामिल है। तो अंबाला मंडल में पूछा गया दोस्तों, तो अंबाला मंडल में खुद अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला और कुरुक्षेत्र, इसमें चार जिले शामिल हैं। अंबाला मंडल में चार जिले शामिल हैं, अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला और कुरुक्षेत्र। तो अगला क्वेश्चन है रोहतक मंडल में कौन से जिले शामिल हैं। तो रोहतक मंडल में पूछा गया दोस्तों, रोहतक मंडल में खुद रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी, इसमें पाँच जिले शामिल हैं, रोहतक मंडल में पाँच जिले शामिल हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हिसार मंडल में कौन से जिले शामिल हैं। हिसार मंडल में पूछा गया दोस्तों, तो हिसार मंडल में खुद हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, इसमें चार जिले शामिल हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, हिसार मंडल में चार जिले शामिल हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने जिले शामिल थे। जब हरियाणा राज्य बना था दोस्तों, इसमें कितने जिले शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सात, इसका आंसर सात हो जाएगा। जब हरियाणा राज्य बना इसमें सात जिले शामिल थे, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, जींद और हिसार, इसमें ये सात जिले शामिल थे जब हरियाणा राज्य बना। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पलवल। जो पलवल है ये हरियाणा का 21वां जिला बना था 13 अगस्त 2008 को, 13 अगस्त 2008 को 21वां जिला बना था। वर्तमान में हरियाणा के 22 जिले हैं, जो 22वां जिला अब बना है वो चरखी दादरी है, चरखी दादरी को भी जिला बना दिया गया है, तो अब वर्तमान में 22 जिले हैं। तो 40वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है नारनौल में स्थित है, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल में स्थित है, इसका आंसर जाएगा महेंद्रगढ़। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाडसा जो झज्जर में स्थित है, बाडसा झज्जर। ओलंपिक की एकल सरपर्दा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। ओलंपिक में पूछा गया दोस्तों, एकल सरपर्दा में पूछा गया है ये कर्णम मलेश्वरी ये खिलाड़ी थी, ये भारतोलन में थी, वेट लिफ्टिंग बोला जाता है जिसको, ये ओलंपिक में एकल सरपर्दा में पदक जीतने वाली पहली महिला थी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान दोस्तों 20वां स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 20वां स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। क्षेत्रफल की स्थिति से हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है। हरियाणा का लोहा पुरुष चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी बंसीलाल। अगला क्वेश्चन है, देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। हरियाणा की दक्षिण की पहाड़ियाँ पूछी गई है, किसका हिस्सा है, ये अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है, इसका आंसर हो जाएगा अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है, दक्षिण की पहाड़ियाँ अरावली का हिस्सा है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ।
हरियाणा राज्य का गठन पूछा गया है संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ। ये दोस्तों 17वें संशोधन द्वारा हुआ था, 17वें संशोधन द्वारा हो तो इसका आंसर हो जाएगा 17। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हरियाणा पूछा गया दोस्तों इसमें, हरियाणा कौन से राज्य के रूप में भारत में अस्तित्व में आया था। तो ये 17वें राज्य के रूप में आया था दोस्तों, जब हरियाणा बना था ये इंडिया का 17वां राज्य बना था। इसका आंसर हो जाएगा 17। तो ये थे दोस्तों हमारे हरियाणा के 50+ क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हरियाणा जीके के लेके आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों मैंने और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।